कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। मेरा नाम प्रीति श्री है, मैं धनबाद से हूँ। मैं प्रेगनेंसी जब कंसीव की थी तो मैं दुबई में थी, वहां पे मैं हस्बैंड के साथ अकेली थी और ऑल ऑफ सडन ये न्यूज आया, तो कैसे क्या टैकल करना मुझे नहीं पता था। तब मुझे YouTube में एड आया था, तो मैंने ऐसे ही एक बार गो थ्रू किया कि ऐसा कुछ होता है, तो चीजें पता चली कि ये कैसे आध्यात्मिक रूप से जाता है प्रोसेस। तो मुझे कुछ ऐसे ही करना था, बट मुझे क्या कैसे किसका हेल्प लेना था वो मुझे नहीं पता था। इसके थ्रू मुझे बहुत गाइडेंस मिला कि हाँ ये चीज करना चाहिए। बहुत हेल्पफुल रहा। ये जो बेबी है ना, मैं वहां पे अकेली जरूर थी बट मुझे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। इवन डिलीवरी के बाद भी बहुत सपोर्टिव है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। नॉर्मल डिलीवरी हो, इवन उसके बाद भी बहुत बेनिफिट मिला, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। योगा वगैरह होता था, योगा उसमें बहुत बड़ा पार्ट था। ऋचा मैम का तो योगा सेशन अमेजिंग है, अमेजिंग है। डिलीवरी के टाइम जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, ओ गॉड, हम आज तक इतना गॉर्जियस बच्चा कभी नहीं देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। मेरे पापा का ये कहना है ऐसा बच्चा इतना वेल मैनर्ड, मतलब बच्चा लोग तो कुछ भी करता है ना, मस्ती भी करेगी लेकिन अच्छे से करेगी, हमेशा उठेगी तो स्माइल, प्यारा सा स्माइल रहेगा, सब चीज भूल जाओगे आप। बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सबके गोद में चली जाती है और कभी रोती भी नहीं है। इवन मम्मी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे ही लेके गए थे और उनको गोदी में लेने से बहुत कोई जानते नहीं थे हमें, बट वो ले रहे थे लाइक, और घुमा रहे हैं और वो घूम भी रही है, पूरा खेल रही है। बिपिन सर का शो आज भी मैं मिस करती हूँ उसको। मतलब अगर आप लोग मुझे अथॉरिटी देते कि एटलीस्ट मैं सिर्फ उनका सेशन ज्वाइन करूँ। लिटरली जब सुनते थे ना, तो हम लोग अपना आँख को इधर से इधर नहीं करना चाहते, कोई बुला रहा है, कुछ हो रहा है, बाद में करेंगे। तो जब मैं यहाँ इंडिया आई तो मम्मी को भी दिखाई, तो मम्मी भी वैसे एक मतलब जर के ऑरा में लिटरली कुछ है। आई विश कि सबको ही उनको जाने। एक चीज सर ने अपने बच्चे के बारे में ये बोला था कि मैं अपनी बच्ची का या बेटे का बर्थडे कभी भी होटल में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट नहीं करता, मैं उसमें पूजा रखवाता हूँ। तो मेरे घर में भी ये पहले ऐसे ही होता था, बट हम लोग थोड़ा बड़े होने लगे तो हम लोग फिर से रेस्टोरेंट पार्टी वार्टी चलने लगा। फिर बाद में जब वो पूरा संदर्भ जब समझ में आया ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब जो था संस्कार वही चीज होना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग भले हम लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन हम लोग अपने को ही भूल जाते हैं। ये एक प्रोसेस जो है ना, बहुत बेसिक वे में जाता है, ऐसा नहीं है कि करने के लिए किया जाता है। जैसे बाकी जगह जाएंगे ना तो क्या होता है उसका मीनिंग आपको बताया नहीं जाता है, बस हाँ ये घर संस्कार है, क्यों किया जाता वो बताया नहीं जाता। सो यहाँ पे हर चीज टू द पॉइंट क्लैरिटी के साथ, नॉलेज के साथ आपको बताया जाता है, और उसका साइंटिफिक वे में भी उसका बताया जाता है कि हाँ ये उसका ये बेनिफिट होता है। आई डोंट नो इतने लोगों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं। लिटरली आप लोग बहुत सपोर्टिव है। अभी जनरेशन टाइम चेंज होते जा रहा है, तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब पे करते हैं, और अध्यात्म को हम लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। ये बचपन से हर कोई को जरूरत होता है, स्पिरिचुअलिटी कभी जरूरत वाली चीजें नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सर आप प्लीज हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि नॉलेज हम लोग जैसे लोगों के लिए पहुंच रहा है, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपका वीडियो मुझे सही समय पे मिला और सही डायरेक्शन में मुझे रास्ता मिला। हम बहुत ग्रेटफुल इस चीज के लिए, भगवान को थैंक यू बोलते हैं। ऐसा पर्सनालिटी, गुजबम्प आ जाते हैं, पता नहीं वीडियो में जब इतना ज्यादा अच्छा लगा तो सामने मिल करके आई डोंट नो किस टाइप का फीलिंग्स होगा। आप प्लीज सर हम लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो आप भी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए और गर्भ संस्कार क्लास अटेंड कर अपनी जिंदगी बदलिए।